नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। बिहार में सरकार बदलने जा रही है। नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। वही आरजेडी भी अपना दावा पेश करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी बिग पिक्चर इंडिया है, यानी बिहार में खेला हो गया तो वही यूपी में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तनातनी है। अखिलेश राहुल को सिर्फ 11 सीटें देने की बात कह रहे हैं। इसके पहले बंगाल में ममता ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 13 शून्य की बात कही। यानी चार बड़े प्लेयर नीतीश, ममता, अखिलेश और केजरीवाल, इनके संकेत साफ लगते हैं अब इंडिया खत्म। इसी पर आज की चर्चा होगी, लेकिन TV9 की टीम ग्राउंड जीरो पर तैनात है। बिहार में बहुत तेजी से उठा पटक हो रहे हैं और आज चर्चा के लिए प्रवक्ताओं का एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा। ग्राउंड पर रिपोर्टर्स की एक बड़ी टीम है, लेकिन बिहार का सियासी खेला किसकी गेम, किसके शपथ, किसका खेला और गेम अभी बाकी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। पांच बड़ी खबरें इसी से जुड़ी हुई आपके सामने, बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी पांच बड़ी खबरें। पहली खबर, आज ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी खबर, शाम 7 बजे जेडीयू विधायक दल की अहम बैठक है। तीसरी खबर, आरजेडी में आखिरी फैसला लालू यादव लेंगे। चौथी खबर, तेजस्वी ने कहा बिहार में खेला अभी बाकी है। और पांचवी खबर, पटना में कल भी खुलेगा सचिवालय, शपथ की तैयारी। तो ये पांच बड़ी खबरें आपके सामने हैं। इन खबरों से आप समझ सकते हैं क्या है इस वक्त बिहार का राजनीतिक तापमान और किस तरह से बिहार में चीजें पिछले 24 से 48 घंटे में बहुत तेजी से पलट गई हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं, पटना में बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है। बड़ी खबर, बैठक में विधायक, सांसद और प्रभारी शामिल हैं। पटना में बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है और इस बैठक में विधायक हैं, सांसद हैं, बिहार के प्रभारी हैं। बिहार के सियासी हलचल पर इस बैठक में मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी ये बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि बिहार में अब सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने का है, तो जाहिर सी बात है इस पर मंथन हो रही होगी। बीजेपी नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में आने को लेकर कैसे देख रही है, इस पर बात करते हैं। रजनीश रंजन पटना बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। रजनीश, बताइए बैठक में क्या मंथन हो रहा है? देखिए, कई नेताओं का ये कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। सीधा मतलब ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद 2024 में बिहार में भाजपा के लिए किस तरह की संभावनाएं और बनेंगी। 2019 के चुनाव में जब जदयू, भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी एक साथ मिलकर लड़ी थी तो 40 में 39 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी, उसी तरह की क्या संभावना इस बार भी बन सकती है, इस बात को लेकर यहां पर मंथन हो रहा है। लेकिन बीजेपी के कई नेताओं के मन में दुविधा भी है, संशय भी है और दो बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आए हैं, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और दूसरा बयान है बीजेपी के सांसद छेदी पासवान का। दोनों ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, छेदी पासवान की बात अगर मैं आपको बताऊं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार पावर के लिए आ रहे हैं और पार्टी को अगर सब कुछ ठीक लगता है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और रेणु देवी का ये कहना है कि भाजपा पहले से ही मजबूत है, हमें इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो दोनों बयान बहुत सांकेतिक हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के कई नेताओं के मन में दुविधा है, संशय है और उसी संशय को दूर करने के लिए एक्सटेंडेड नेशनल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव की ये बैठक चल रही है। तमाम बड़े नेता, विधायकों के अलावा सांसद और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। राय शुमारी की जा रही है, पार्टी आलाकमान का जो फैसला है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। और दूसरी अहम जानकारी गौरव ये है कि इसी तरह की एक बैठक कल सुबह 10 बजे भी बुलाई गई है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए रजनीश। जिन छेदी पासवान के बयान की बात आपने कही है, वो बयान में बता देता हूँ छेदी पासवान ने कहा क्या है। बीजेपी के सांसद हैं छेदी पासवान, उनका बड़ा बयान आया है, नीतीश पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं। यानी बीजेपी के अंदर अभी नीतीश को लेकर बहुत एक्सेप्टेंस नहीं है, नीतीश पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ये बीजेपी के सांसद छेदी पासवान का बयान है। उनको पद मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं, ये कहा है बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने। बीजेपी के सांसद का ये कहना कि नीतीश कुमार पावर के लिए कहीं भी जा सकते हैं, पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, रजनीश, यानी बीजेपी की जो बिहार यूनिट है। अच्छा सुनवा देते हैं छेदी पासवान ने कहा क्या, फिर मैं रजनीश के पास जाऊंगा। राजनीश का मतलब ही उथल पुथल होता है, उथल पुथल रहेगा ही बिहार में। नीतीश जी का
हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को ले मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। और सुनील कुमार पिंटू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के सांसद हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू जी, छेदी पासवान क्या कह रहे हैं, सुना आपने, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं, नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं पावर के लिए। देखिए, ये उनका निजी विचार हो सकता है, मैं नहीं समझ सकता हूं ये बात, परंतु आज के तारीख में नीतीश जी पर कोई भी कमेंट करना ये गलत बात है, समझे कि नहीं। इसलिए कोई वो बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, ना उन्होंने बीजेपी की तरफ से कोई बात रखी है, वो उनकी अपनी निजी राय है जो व्यक्तिगत उनके मुख्यमंत्री जी के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं। सुनील जी, वो उसी मीटिंग से बोल रहे हैं जिस मीटिंग में अभी बिहार की राजनीतिक व्यवस्था पर बीजेपी चर्चा कर रही है। छेदी पासवान वही बैठे हुए हैं, आप भी सांसद हैं, वो भी सांसद हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए बीजेपी के किसी नेगेटिव कमेंट पर बोलना, लेकिन जेडीयू के ऊपर इतना बड़ा कमेंट आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी के नेता अभी भी ऐसे बोल रहे होंगे। यानी क्या बीजेपी के नेताओं में अभी भी नीतीश कुमार के एनडीए में आने को लेकर बहुत स्वीकार्यता नहीं है? देखिए, कोई भी कुछ बोल ले, बीजेपी के अंदर में का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और अमित शाह जी, ये दोनों व्यक्ति के फैसले के सामने अगला किसी का कोई बात नहीं होगा। और आपने देखा कि बीजेपी के भी जितने भी बिहार के बड़े लीडर थे, उन लोगों ने भी कहा कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा वो सब मान्य है। तो जब केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला ले लिया है अगर कोई, और वो फैसला की अभी अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है, जो आएगा तो उसके बाद किसी के भी कुछ कहने पर कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, अच्छा मैं जल्दी से अपने गेस्ट पैनल से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं अपने दर्शकों को। सुनील कुमार पिंटू को आप सुन रहे हैं जो कि जेडीयू के सांसद हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। हमारे साथ प्रोफेसर असफर शमसी हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ विनोद सिंह जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ आप देखिए तमाम सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। रजनीश रंजन हमारे साथ, रुपेश जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अमोद दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमोद, बताइए दिल्ली में, क्योंकि बिहार में बीजेपी का ये कमेंट बताता है कि बीजेपी में अभी नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा वो तय नहीं कर पा रहे हैं। बोले क्या अंदर, क्या हम सबको मालूम है जो सेंट्रल लीडरशिप है वो क्या कह रही है? देखिए गौरव, सबसे पहले मैं आपको एक लेटेस्ट खबर बता दूं कि बिहार के बीजेपी के सभी नेताओं को कुछ भी इस पूरे मसले पर बोलने के लिए आला नेतृत्व ने मना ही किया है। अभी थोड़ी देर पहले सबको फ़ोन करके बोला गया है कि आप कोई भी बयान नहीं देंगे, जब तक पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं होता है उसको बयान नहीं माना जाएगा। और उस काम में बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए हैं कि वहाँ के स्थानीय नेताओं को ये मैसेज पास कराया जाए। दूसरी बात, बीजेपी क्या कर रही है ये सब जग जाहिर, अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। विंडो खुला है जब से कल से, जब सुशील मोदी ने कह दिया कि खिड़की बंद थी, खिड़की खुल भी सकती है, तो खिड़की जो खुल सकती है वो किस ढंग से खुले और किस तरह से सरकार में ये लोग जाएं। और उसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि फेस सेविंग के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे तो उनके खिलाफ जो बयान दिए गए थे उसको अब डिफेंड भी करना होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर रणनीति बन रही है, चर्चा हो रही है और एक माहौल बनाकर बीजेपी सरकार में शामिल होने की तैयारी कर रही है। ठीक है, मेरे साथ क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, अभी इस परिस्थिति में क्या इंडिया को लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा खेला हो गया बिहार में? नहीं, खेला तो असल में नीतीश कुमार के साथ हुआ है। नीतीश कुमार ने किस मजबूरी में या किस कारण से पलटी मारी है तो वो जाने, लेकिन आज राजनीति में नीतीश कुमार का जो एक कद बन रहा था, मुख्यमंत्री तो वो पिछले 18 साल से हैं, मुख्यमंत्री से ऊपर उनका एक राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि बन रही थी और देश की जनता उनकी तरफ उम्मीद की नज़र से देख रही थी। उन्होंने जो दो पिछले काम उनके ऐसे रहे जिनकी वजह से उनके कद में इजाफा हुआ,
एक तो इंडिया गठबंधन के निर्माण में उनकी भूमिका, दूसरे बिहार में जो सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने काम किया, जाति जनगणना कराई और ओबीसी वर्गों का कोटा जो था आरक्षण में वो बढ़ाया, इस वजह से उन्हें बड़ी उम्मीद की नज़र से देखा जा रहा था। लेकिन अब उन्होंने खुद ऐसे समय पर निर्णय लिया है जिससे नुकसान केवल नीतीश कुमार का है। चुनाव में ऐसे निर्णय चुनावों को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं। लोकसभा चुनाव में हो सकता है इसकी रिएक्शन हो और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को इसका भारी नुकसान हो, क्योंकि जनता ये पसंद नहीं करती है जोड़ तोड़ की राजनीति कि आपके इधर नेताओं को खरीद लो या डरा धमका के अपनी तरफ कर लो, उससे जनता कई बार रिएक्ट भी कर देती है। लेकिन नीतीश कुमार का नुकसान होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नीतीश कुमार का नुकसान होना है। सुनील कुमार पिंटू जी, देखिए इंडिया के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार का नुकसान होना है इससे। देखिए पहले तो कल अभी हमारे नेता का जो निर्णय होता है वो निर्णय पहले आना बाकी है, और नुकसान और नफा की बात है, ये सारे चीज़ जनता के ऊपर है। और बिहार की जनता भी चाहती है, मैं अपनी निजी राय दे रहा हूँ, और बिहार की जनता की भी राय है कि एनडीए गठबंधन में जो 2005 में माननीय नीतीश जी और बीजेपी के सुशील मोदी की जोड़ी ने जो बिहार में काम किया था, आज भी बिहार की जनता उसी काम को गिन रही है, बोल रही है, चाहे जितने पुल पुलिया बने हो, रोड बने हो, पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछाओ, ये सारे दोनों व्यक्ति के गठबंधन में, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में काम हुआ था। आज भी बिहार की जनता चाहती है कि फिर से बिहार जो विकास हो रहा है वो चलता रहे, उसके लिए दोनों का गठबंधन हो। अगर देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बजाया है, भारत का नाम ऊंचा किया है, तो बिहार की तरक्की के लिए एनडीए गठबंधन की सरकार की सख्त आवश्यकता है बिहार में। यह मेरी अपनी निजी राय है और बिहार की जनता भी यही चाहती है। ठीक है, मैं एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर जैन जिज्ञासु आपसे लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप लोग तो अपनी दोस्ती के कसीदे गढ़ रहे थे, अचानक नीतीश कुमार को क्या हो गया? देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद जी की प्रतिबद्धता जो है वो इस देश में सामाजिक सद्भाव कैसे कायम रहे इसके प्रति, और हम लोगों के यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की प्रतिबद्धता इसमें है कि कैसे हम जनता के प्रति जो जवाबदेही हमारी है, जो वायदे घोषणा पत्र में हम करते हैं, उसको कैसे पूरा करें। हमारी विचारधारा सामाजिक न्याय की है, हमारी विचारधारा कोई साप्ताहिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, द्वैवार्षिक नहीं है। हम चंचल चित्त के व्यक्ति नहीं है, हम स्थित प्रज्ञ लोग हैं। हम शांति से कोई बात विचार करते हैं और वचनबद्धता के साथ उस पर अड़े रहते हैं। निजी नफे नुकसान के हिसाब से हम कोई निर्णय नहीं लेते हैं। आप तो वही खड़े हैं, आपके साथी आपको छोड़कर आगे बढ़ गए। भाई आपने जो पूछा उसका मैं जवाब दूं या किसी और बात का जवाब दूं? मैं ही पूछ रहा हूं, मैंने भी यही पहले भी यही पूछा कि आप तो वही खड़े हैं, आपके साथी आपको छोड़कर आगे बढ़ गए। जयंत जी एक देखिए, हम जहां थे हम वहीं हैं, वहीं हमारे पैर में चक्र नहीं लगा, कौन किधर जाते नहीं जाते, क्या अफवाह हवा में है, हम उस पर नहीं बात करते। जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई वक्तव्य नहीं आ जाता, प्रवक्ता के बारे में तो कहा जाता है कि वो पार्टी का आधिकारिक पक्ष रखते हैं, अब सुनील कुमार पिंटू जी अपनी निजी राय बता रहे हैं, तो अब पता नहीं ये किस तरह से लोकतांत्रिक पार्टी काम करती है। मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी क्या है, मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी क्या है। मेरे साथ रुपेश जुड़े हुए, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी क्या है। ग्राउंड पर टीवी 9 की टीम है रुपेश के पास। अच्छा रुपेश इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मेरे साथ डॉक्टर, अच्छा सुनिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे साथ इस पर प्रोफेसर अजफर हैं। प्रोफेसर अजफर साहब क्या मजबूरी है, दो बार आपको छोड़कर चलेगा नीतीश कुमार, तीसरी बार आप लेने को तैयार है उनको, आपकी क्या मजबूरी है? देखिए इसमें कोई मजबूरी की बात नहीं है, जो बिहार के हित में होगा, बिहार की तरक्की के लिए होगा, और बिहार की आवाम भी चाहती है कि जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और दुनिया का नाम ऊंचा हो रहा है, उसी तरह बिहार भी सही दिशा में चले और अच्छे से चले। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एनडीए की सरकार थी बिहार में, और अगर आप शुरुआती दौर से भी देखेंगे तो एक स्टेबल गवर्नमेंट थी और एक साफ सुथरी गवर्नमेंट थी, और विकास का काम बहुत तेजी से हो रहा था।
अब सवाल है कि हमारी पार्टी तो कोई कांग्रेस वाली पार्टी है नहीं, राजद वाली पार्टी है नहीं कि साहब वहां पे कोई वन मैन शो है। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे वो जिला अध्यक्ष। कोई विचारधारा है, कोई विचारधारा है कि बस केवल आपको चुनाव ही देखना है? मैं आ रहा हूं, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, आज ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। आज शाम 7 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है, एक बड़ी बैठक जेडीयू की हो रही है और खबर है कि आज ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री आवास में होगी विधायकों की बैठक और आज ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। रुपेश, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल की बैठक चल रही है और वहां पर समर्थन पत्र पर सभी विधायकों से हस्ताक्षर लिया जाएगा और उसके बाद वो समर्थन का पत्र मुख्यमंत्री आवास में, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद इनके विधायक दल की बैठक है, या फिर नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों को, पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि चाय पे बुलाया है, क्योंकि ऑफिशियली कल 10 बजे विधायक दल की इनकी बैठक भी होगी, लेकिन उसके पहले आनन फानन में तमाम विधायकों को मैसेज किया गया कि आप पहुंचे मुख्यमंत्री आवास में। तो मुख्यमंत्री आवास से पहुंचकर एक बैठक होगी। जीतन राम मांझी के विधायक दल की बैठक शाम को 7 बजे थी, लेकिन उसे प्रीपोन करके शाम को 6 बजे किया गया, उनके भी विधायक दल की बैठक होनी है। तो ये जो एनडीए का कुनबा है, जेडीयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी, इन तीनों के विधायक दल की बैठक किसी की हो रही है, किसी की अब थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है और उसके बाद से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके बाद से अगर मुख्यमंत्री आवास में ही विधायक दल की बैठक होती है उसके बाद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और एक हाथ से इस्तीफा दें, दूसरे हाथ से समर्थन का पत्र सौंपें और कल उनका शपथ ग्रहण हो जाए। कल एक बार फिर से एनडीए विधायक दल की बैठक यहां पे हो, यानी कि तमाम पार्टियों ने अपनी अलग अलग बैठक करने के बाद से एनडीए के विधायक दल की यहां पे बैठक हो और उसके बाद से आगे जो वैधानिक प्रक्रिया है उस वैधानिक प्रक्रिया को शुरू किया जाए। ठीक है रुपेश, आप रहिए मेरे साथ, आप बड़ी खबर दे रहे हैं। लेकिन विनोद पांडे, कांग्रेस के लिए तो आज बड़ा, आज क्या कह सकते हैं, जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है। पहले बंगाल, फिर पंजाब और अब देखिए जिसने इंडिया बनाया, विनोद सिंह जिसने इंडिया बनाया वही आज इंडिया की हवा निकाल रहा है। देखिए गौरव जी, खुले तौर पर तो पूरा जब नीतीश जी अपनी बात औपचारिक तरीके से रख देंगे तो कुछ कहना वाजिब होगा, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता को अगर नीतीश जी ऐसा वैचारिक कदम लेते हैं, राजनीतिक कदम लेते हैं, तो उनके लिए आत्मघाती होगा। इसलिए होगा कि उनकी विश्वसनीयता पे पहले से ही बहुत उनकी भूमिका संदिग्ध और संशयपूर्ण रही है और अगर ये कर देंगे तो बहुत, मतलब उनको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप से पूछे, उसके नेता पूछे कि सर्वाधिक बेइज्जती, व्यक्तिगत हमले और राजनीतिक हमले, हर तरीके से नीतीश कुमार को अपमानित करने का काम किया गया, क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, क्या डर था, क्या इंडिया गठबंधन से भय था कि जनता के सवालों से जवाब से बचने के लिए किस प्रलोभन के तहत, किस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत, किस दबाव के तहत, किस जांच के अंतर्गत, ये सब देश की जनता आपके दर्द। सुनील कुमार पिंटू जी, जवाब दीजिए, खुद ही सम्मानित जनता। देखिए आपसे कांग्रेस क्या पूछ रही है, क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था? सुनील जी आवाज आ रही है? सुनील कुमार पिंटू तक आवाज आ रही है? बताइए कांग्रेस पूछ रही है, आप ही ने इंडिया बनाया, हाँ, आप ही ने इंडिया की हवा क्यों निकाल दी, क्या मजबूरी है, क्या दबाव है? ये तो बतलावे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ही कि माननीय नेता नीतीश जी ने तो बार बार कहा कि सीटों की शेयरिंग पर मीटिंग हो, सीटों की शेयरिंग की जाए उस पर चर्चा हो। तो आज तक ले तो अगुवाई कर रहे थे, आई एन डी ए के अलायंस की बैठक जो हुई उसमें सिर्फ बात थी तो सिर्फ चाय और समोसे पर मीटिंग खत्म कर दी गई। तो इस तरीके की बात करेंगे आप, उसके महत्वपूर्ण घटक थे आप, ये आज तक ये बतलावे ना, सबने आपको सम्मान दिया। अरे भाई, हमारे नेता ने तो सबसे पहले, हमारे नेता नहीं तो सभी को एक जगह जमा किया। आप अपने ईगो के सामने किसी को समझने को तैयार नहीं हुए। ठीक है, आप अपने ईगो के सामने किसी को समझने को तैयार नहीं है। संजीव कौशिक, संजीव कौशिक बात क्लियर है, इंडिया में कांग्रेस के ईगो की वजह से आज ये हालात हैं, बिहार में भी।
देखिए गौरव, दो चार दिनों से जो खबरें छल के आ रही हैं और जो हालात सामने दिखाई दे रहे हैं, यदि नीतीश कुमार दोबारा कल शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेते हैं तो वो नौवीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री होंगे और एक ही विधानसभा कार्यकाल में सबसे कम संख्या के साथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले होंगे। लालू प्रसाद यादव ने जो उनका नामकरण किया था, आज के वक्त में जिस तरह का उनका आचरण दिखाई दे रहा है, वो अपने नाम के अनुरूप अपने व्यवहार को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी 300-400 पार का नारा देती थी, भारतीय जनता पार्टी के वो सारे लोग जो बिहार की इकाई के लोग जो लगातार हमलावर थे और किसी ने पगड़ी और सापा तक बांध लिया था सर पे कि जब तक नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं तब तक ये पगड़ी नहीं उतारेंगे, अब कल से कैसे नीतीश कुमार के सामने और नीतीश कुमार के लिए कसीदे करते हुए नजर आएंगे, कैसे बोल पाएंगे वो जिसको भ्रष्टाचार की जननी बता रहे थे, जिसको प्रोफेसर असफर साहब जवाब दीजिए, बीजेपी के नेता हैं, प्रोफेसर असफर साहब जवाब दीजिए, जनता के बीच कैसे जाएंगे वो, किस मुंह से जाएंगे? राजनीति में जनता के हित के लिए, बिहार के हित के लिए जो होता है उस पर निर्णय बीजेपी करती है। अरे साहब, जनता की बलि कब कर देख लिया आरजेडी का क्या है और किस प्रकार से क्राइम और करप्शन आरजेडी के अंदर है, तो बिहार की जनता चाहती थी कि भाई आरजेडी से मुक्ति मिले। अब सवाल है कि जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बात को देख रहा है कि हमें देश के साथ बिहार को भी डेवलप करना है और बिहार डेवलप की ओर बढ़ रहा था एनडीए सरकार में, इसीलिए इसमें बेचैन होने की क्या जरूरत है? ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर मैं अपने जो हमारे संवाददाता उनको कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी न्यूज होगी आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन जयंत जिज्ञासु साहब, सवाल तो ये है, जीत के तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही आए थे ना, वो तो बाद में आपके साथ चले गए, तो बिहार की जनता ने मैंडेट तो बीजेपी और जेडीयू को ही दिया था ना। जीत के 2015 में किन के साथ आए थे? हमारे साथ ना, तो 17 में तो जनादेश का अपहरण और बलात्कार कर दिया, फिर इसका मतलब उन्होंने, इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग हाफ रोंग हाफ राइट अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स नहीं करते, हम स्पष्टवादी राजनीति करते। हमारे सामने अभी एक ही लक्ष्य है कि कैसे मौजूदा हुकूमत को इस देश की गद्दी से उतारे और कॉरपोरेट परस्त सरकार को बदलकर कैसे किसानों की हिमायती सरकार। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मौका परस्त हैं? आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार मौका परस्त हैं? ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो अतिरिक्त अपनी ओर से कोई बात ही नहीं कहना चाहता हूं। हाँ। देश और दुनिया के सामने ये है कि कैसे देश में पहली बार जाति आधारित गणना कराने वाला सूबा बिहार, कैसे 4 लाख से ज्यादा नौकरी देने वाला सूबा बिहार, कैसे 70 दिन के अंदर 2.25 लाख गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बाली बीपीएससी के जरिए कराने वाला सूबा बिहार, कैसे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लेने वाले मुख्य उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के सदप्रयास से शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने वाला सूबा बिहार। देखिए एक बात सुनील कुमार पिंटू बताइए, अब ये आरजेडी कह रही है कि हमने इतने सारे काम किए उसके बावजूद ये क्यों जा रहे हैं, और मेरे पास एक बयान भी नीतीश कुमार का, मैं सुनाऊंगा, उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। सुनील कुमार पिंटू, बिहार में काम हुए माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सारे काम हुए हैं, और वो जब 2005 से बिहार में विकास की गति पकड़ी है, उस समय एनडीए की सरकार के समय से जो शुरू हुई थी वैसी कामों को आज तक सारे बिहार के लोग याद करते हैं। राजकुमार भाटी, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कौन सी विचारधारा है जहां आप 6-7 बार शपथ लेते हैं और हर पार्टी के साथ 2-2 बार आपके गठबंधन हो जाते हैं और फिर भी आप लोगों के बीच जाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है? देखिए, जनता जब चुनाव होते हैं तो भारत की चुनाव व्यवस्था में जनता 5 साल के लिए सरकार चुनती है और जो उसका घोषणा पत्र होता है पार्टी का उस पर चुनती है, उसे उम्मीद होती है कि ये अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे, 5 साल जनता की सेवा करेंगे। बीच में सरकार तोड़ के या गठबंधन तोड़ के किसी भी पार्टी के साथ जाना, ये आज के लिए नहीं कह रहा मैं, इससे पहले जब वो बीजेपी छोड़ के आरजेडी के साथ आए वो भी गलत था, वो भी जनता के साथ धोखा था, ये सीधे सीधे जनता के साथ धोखा है। और कोई व्यक्ति बार बार इस काम को कर रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव में जीतते हैं, शपथ लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद खुद इस्तीफा देते हैं, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, राजनीति को मजाक बना के रख दिया है, लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिया ये देश। मीसा भारती कुछ कह रही है, सुन लेते हैं वो क्या कह रही। नहीं कर रहे थे यहाँ कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए हैं और जिस तरह से न्यूज़ में ही जो चल रहा है सो चल रहा है, अभी तो कोई आधिकारिक किसी के तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज
बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मीसा भारती कुछ भी बोलने से बच रही, लेकिन मीसा भारती से जुड़ी एक बड़ी खबर आई, लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका आज आया दिल्ली से भी, वो भी बता देते हैं आपको। जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी देवी को समन, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने समन भेजा है और इस समन में मीसा भारती भी शामिल है, यानी लालू की बेटी मीसा भारती और हेमा को भी समन भेजा गया है। 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से यह समन जारी किया गया है और इसी समन के बाद देखिए एक बड़ा बयान आया जेडीयू की तरफ से और आरजेडी पर डायरेक्ट हमला है। जेडीयू का आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला, आरजेडी नेतृत्व बेचैन है, यह कहा है जेडीयू ने। आरजेडी की आदत जमीन के बदले नौकरी देने की है, ये जेडीयू के नेता कह रहे हैं। आरजेडी प्रलाप बंद करे, अंजाम बुरा होगा। आपको जेडीयू के नेता नीरज कुमार को सुनाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको इसी से। राजद नेतृत्व बेचैन है, बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। जयंत जिज्ञासु, आप बताइए, इसके बाद कहने को कुछ बचता है? कुछ बचता है इसके बाद कहने को? आरजेडी नेताओं की आदत में शुमार है जमीन लेना नौकरी के बदले, ये जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता सीनियर लीडर कह रहे हैं। अब देखिए, मैं एक बात कहूं, मैं दुनिया के तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की टिप्पणी का जवाब देना वाजिब समझता हूं। हम लोग जनता पार्टी के समय में प्रवक्ता हुआ करते थे सुरेंद्र मोहन जी, उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे वर्स्ट स्पोक्स पर्सन में से एक ये हैं। ये तो बिल्कुल अपराधी की भाषा है, ये धमकी कहीं लोकतंत्र में चलता है? और तब जब आपकी सरकार महागठबंधन की हो, अलायंस में हो, सुनील जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि किसी भी नेता का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होता है कि वह कितने वर्षों तक प्रधानमंत्री। अरे, यही वो नेता हैं जो सुबह से जेडीयू की पार्टी लाइन बता रहे हैं हमको, यही वो नेता है। बीच में काहे टोक रहे हैं, हमको बोलने तो दीजिए। नहीं, आप बोलिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ यही वो नेता है जो सुबह से जेडीयू की पार्टी लाइन बता रहे हैं। अच्छा, तो हमको नहीं मतलब है उससे, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो जाने। हम कह रहे हैं कि मूल्यांकन नेता का इस आधार पर होता है उसने फैसले क्या लिए। अभी बताया कि शिक्षक, अरे दुनिया जानती है कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के जरिए। आप उनके बयान पर बोलने से बच क्यों रहे हैं जयंत जी? आप उनके बयान पर बोलने से बच क्यों रहे हैं? किनके बयान पर? नीरज कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता के बयान पर। नीरज कुमार आरजेडी के नेता नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, मैं उनके बयान पर कोई बयान दूं? अरे, नेता के बयान पर बयान दिया जाता है, प्रवक्ता के बयान पर कहीं बयान दिया जाता है? इतना स्तर मत गिराइए अपने डिबेट का जी। अच्छा, अगर वो आपके हल्का मत बने, अगर वो आपके पक्ष में कहते तो स्तर बड़ा होता। अभी मैंने आपसे पूछ लिया, आपके लिए टाइट स्पॉट है तो स्तर गिर रहा है डिबेट का। अरे, स्तर तो आप देखिए क्या वहां पर हो रहा है। सुन लीजिए, जिस समय नीतीश कुमार जी दोबारा इस तरफ आए थे, तब भी मैंने कहा, खुश होते हैं वसल में पर मर नहीं जाते, आई शबे हिजना की तमन्ना मेरे आगे। रुपेश को लाइए स्क्रीन पर, रुपेश और अमोद राय को लाइए स्क्रीन पर। ओके रुपेश, ये आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं, ये इनकी मजबूरी है। आखिर क्यों आरजेडी के प्रवक्ता उतना खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं जितना जेडीयू खुलकर बोल रही है? सुनील जी शालीन आदमी नहीं, रुकिए रुकिए रुपेश, जेडीयू के वो प्रवक्ता है, रुकिए रुकिए जयंत जिज्ञासु रुकिए। अब रुपेश हमारे संवाददाता पटना से है, सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए। रुपेश बोलिए। देखिए, वो जेडीयू के आधिकारिक मुख्य प्रवक्ता हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। उनका स्तर देखिए, अगर उनका स्तर कम है तो उनके बयान का स्तर देखिए। बयान का राजनीति में किसने बोला और क्या बोला, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे समय में किस समय में बोला, ऐसे समय में जो आधिकारिक रूप से दोनों के गठबंधन नहीं टूटे हैं और दोनों सरकार में हैं, ऐसे में एक प्रवक्ता का जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनका ये कहना, और एमएलसी भी हैं, उनका ये कहना
कि राजद के नेतृत्व का ये फितरत है कि वो जमीन लेकर के और नौकरी देते हैं, ये सीधा हमला है। उस हमला के जो शब्द हैं उसके स्तर को आप देखिए और उसके बाद ये समझिए कि अब दोनों में कुछ नहीं बचा है। और उसी के बाद से ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच यानी कि RJD और JDU के बीच ये तलखियाँ, संकेत और इशारे नहीं बल्कि पूरी तरह से दोनों अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं और अभी तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों की जो बैठक की उसमें सीधे तौर पे ये कह दिया कि खेला बाकी है, लेकिन उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि हम सरकार से अलग हो गए हैं और अपनी मजबूरी भी जताई कि फिलहाल हम 122 का आंकड़ा जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद फिलहाल ये संभव होता हुआ। संजीव कौशिक, आप क्या इसके बाद कुछ कहने को बचता है जो JDU के मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया? देखिए, राजनीति का ये प्रहसन काल चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे ये राजनेता बताएंगे कि जिनकी जुबान की कोई कीमत नहीं हो, सुचिता का कोई मतलब नहीं हो, सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं हो, केवल और केवल राजनीति। इसलिए अच्छा मैं रोकूंगा, JDU नेताओं के बयान आ रहे हैं इस वक्त, सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। और कुछ नहीं भैया, हार्ट अटैक। बोलिए देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, एक और बड़ी खबर आ गई बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार आज इस्तीफा नहीं देंगे, कल क्या होगा किसको नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार आज इस्तीफा नहीं देंगे ये खबर यहां पर आ रही है। मैं अमोद के पास जाऊंगा, उससे पहले जरा रूपेश के पास चलते हैं। रूपेश, क्या खबर है इस बारे में? देखिए, चूंकि अभी तमाम दलों के विधायकों की बैठक होनी है और NDA की संयुक्त बैठक जब तक नहीं होती है, और इसी वजह से ये माना जा रहा था, और माना ही नहीं बल्कि और राजभवन के हवाले से, क्योंकि जब तक विधायकों का समर्थन 122 और 127 विधायकों का समर्थन NDA के पास है, लेकिन NDA का ये जो मौजूदा स्वरूप अभी फिलहाल बनने जा रहा है उनके पास 127 विधायकों के समर्थन है मौखिक रूप से, लेकिन कागजी रूप से जब तक मुख्यमंत्री आवास में जहां नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और पिछली बार भी चाहे वो BJP से हटे हों चाहे वो RJD से हटे हों, उसके बाद से सभी दलों ने अपनी अपनी अलग बैठक की, उसके बाद से इसी आवास में संयुक्त बैठक होती है और वहीं बैठक से जो प्रमुख नेता हैं वो निकलकर राजभवन जाते हैं, वहाँ इस्तीफा भी होता है, वहाँ समर्थन का पत्र भी सौंपा जाता है और अगले कुछ घंटों में शपथ ग्रहण समारोह, ये पिछले दो बार से हम देख रहे हैं तो तीसरी बार भी वही होगा। और जैसा कि अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि हुई है वही जो राम रची रखा, लेकिन हुई है वही जो पिछले तीन बार से होता रहा है और वही रचना इस बार भी रची गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूपेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अमोद राय के पास जाता हूँ। अमोद, BJP का कौन सा बड़ा लीडर इस शपथ ग्रहण में शामिल हो सकता है या BJP की टॉप लीडरशिप के कौन से नाम है जो बिहार आ सकते हैं, बता सकते हैं आप? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से कल गृह मंत्री पटना नहीं जा रहे हैं और BJP अध्यक्ष JP नड्डा की तरफ से भी कोई अभी तक संकेत नहीं दिया गया है कि वो इसमें शामिल होने जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि बिहार से जुड़े हुए जो बड़े नेता हैं वो उस शपथ ग्रहण समारोह में जा सकते हैं। विनोद तावड़े खुद इसको आगे वहाँ संभाल रहे हैं, वहाँ पहुँच गए हैं और आज बैठक ले रहे हैं, कल भी बैठक करेंगे और वो हो जा सकते हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक JP नड्डा या अमित शाह जैसे बड़े नेता कोई भी शामिल होने नहीं जा रहा है। अमित शाह का दौरा लगा हुआ है कल तेलंगाना में, जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये एक प्रश्न। अच्छा, मुझे एक जानकारी और दीजिए अमोद, एक जानकारी और दीजिए, क्योंकि बिहार की जो BJP यूनिट है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ कंफर्टेबल नहीं है अभी तक जो हमें पता चल रहा है, तो फिर जो जो BJP की जो नेशनल लीडरशिप है आखिर वो कौन सी डील है जिसके तहत वो उनको नीतीश कुमार को लेकर आ रहे हैं और बिहार की जो स्टेट यूनिट है उसको कैसे मनाएंगे, आखिर क्या कारण है वो? देखिए, स्टेट यूनिट की जहां तक बात है ऑलरेडी बैठक हो चुकी है परसों, अमित शाह के घर पर JP नड्डा और राज्य के नेताओं की बैठक हो चुकी है और जो मैसेज देना था वो दिया जा चुका है। आज जो बैठक चल रही है पटना में उसमें भी मैसेजिंग का ही काम हो रहा है और कल जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, कल 10 बजे सुबह उनकी बैठक पटना में होनी है, उनको मैसेज दिया जाएगा, सांसदों की बैठक होनी है, तो एक तरह से नीचे पेनिट्रेट सारे जगह मैसेज ये फैलाया जा रहा है कि BJP ने किन कारणों से ये गठबंधन की तरफ बढ़ी है और क्यों ये जरूरी था BJP को जाना, क्यों जरूरी था, क्योंकि BJP ये कह रही है बार बार कि राज्य में अभी आगे चुनाव सिर्फ नहीं, आगे राज्य में RJD और JDU से मुक्ति का गठबंधन जो चल रहा था उससे मुक्ति बहुत जरूरी थी, क्योंकि RJD अपनी
जमीन बढ़ा रही थी, जमीन पसार रही थी, और कहीं ना कहीं उससे बीजेपी को आने वाले दिनों में ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता तब जब 2025 में चुनाव होना है। आरजेडी अगर अपना पैठ जमीन पर ज़्यादा बना लेगी तो उसमें ज़्यादा टफ होगा, बनिस्पत अभी नीतीश कुमार को साथ जाकर बीजेपी। चलिए एक बार जरा उसके नंबर गेम भी हम बता देते हैं, उसके बाद अपने पैनल के पास जाते हैं। अमोद बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो जानकारी दी। देखिए बिहार विधानसभा का नंबर गेम इसका बहुत बड़ा कारण है किस तरह से बीजेपी को भी नीतीश की जरूरत है। एक तो लोकसभा चुनाव, उसके बाद आगे जो विधानसभा चुनाव है, और ये नंबर गेम आपको बहुत अच्छे से समझाएगा इसको। देखिए अभी जो चुनाव हुआ पिछला, उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके पास 79 विधायक हैं, 97 लाख 38,855 वोट। बीजेपी के पास 82,00,067 वोट, जेडीयू के पास 64,85,000 से ज्यादा वोट, कांग्रेस के पास 39,00,000 से ज्यादा, करीब 40,00,000 वोट। अगर आप देखिए यहां पर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, इनके वोट को मिला दें तो बीजेपी को ये आउट नंबर करते हैं। और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी चिंता थी कि अगर नीतीश कुमार को साथ नहीं लाएंगे तो फिर ये बिहार में उनके साथ कहीं खेला ना हो जाए, और इसलिए बीजेपी की यह मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को साथ लेकर आए। अगर नीतीश कुमार की यह मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ जाएं तो ये प्रोफेसर असबर साहब मजबूरी है ना नीतीश कुमार को साथ लाना, वरना 2024 में दिक्कत हो जाएगी। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि कोई मजबूरी नहीं है और ये वोट की अर्थमेटिक है, जनता वोट देती है। अब स्पेकुलेशन कोई अपना लगाए ये अलग विषय है, स्पेकुलेशन लोग लगा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल है, उस आधार पे चलती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बिहार के हक में, अच्छा मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है तो फिर आप नीतीश कुमार जो आपको दो बार धोखा देकर जा चुके हैं, जिनके लिए आपने मंचों से कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, क्यों ले रहे हैं उनको वापस आप? ये दरवाजा बंद भी होता है और बंद दरवाजा खुलता भी है, ये कोई परमानेंसी थोड़ी है। अगर आप दरवाजा कभी ताला लगा देते हैं, आपको लगता है कि ताला लगा दिया, इसमें हो सकता है कि चोरी हो। अरे तो आज क्यों खुल गया दरवाजा? खोल देते हैं आज, ऐसा क्या हो गया? आज ऐसा अचानक क्या हो गया? इसीलिए दरवाजा खोलना और बंद करना ये रूटीन वर्क है। अरे भैया आज अचानक ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर साहब? ऐसा कौन सा आकाश टूट पड़ा जिसके लिए दरवाजा खुल गया? मैं बता रहा हूँ, बिहार के हित के लिए दरवाजा हो सकता है खुल जाए, बिहार की जनता के लिए दरवाजा खुल जाए, देश की हित के लिए खुल जाए। और डबल इंजन की जब सरकार होगी तो जिस तरह से अभी जो एक पैनल वाले बता रहे थे कि हमने ये नौकरियां दी, ये सारी नौकरियां पाइपलाइन में थी। जब एनडीए सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये जितनी नौकरियों की बात कर रहे हैं वो पाइपलाइन में थी, ये बीजेपी के द्वारा की गई थी। आज ये क्रेडिट ले रहे हैं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिल करके ये सारी नौकरियों की शुरुआत। सुनील जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बिहार के अंदर में ये सरकार। भाई जयंत जिज्ञासु, आप लोग इन्हीं की नौकरियों को जो पाइपलाइन में थी वो दे रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं नीतीश कुमार। एक मिनट अफजर साहब रुकिए, प्रोफेसर साहब रुकिए। तो जब उनके कल्चर, प्रोफेसर साहब रुकिए, तो ए मैन नोन बाय हिज कंपेनियन। अरे देश हित राष्ट्र हित में चुनाव जब से, अरे अफजर साहब, प्रोफेसर अफजर साहब, प्रोफेसर अफजर साहब सुनिए मेरी बात, सुनिए जो भी रहेगा। प्रोफेसर अफजर साहब, जब से देश आजाद हुआ है तब से चुनाव देश हित में ही हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां देश हित में चुनाव लड़ती हैं, फिर ये दाएं बाएं आना जाना क्यों होता रहता है? जवाब दीजिए भाई जयंत जिज्ञासु, आप लोग इन्हीं की सारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, क्रेडिट खुद ले रहे हैं, नीतीश कुमार कैसे अनकंफर्टेबल ना हो? रुकिए प्रोफेसर साहब, रुकिए, आप तक आवाज आ रही है प्रोफेसर साहब? इनकी आवाज डाउन कर दीजिए, प्रोफेसर साहब तक आवाज नहीं जा रही, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम है, बोलिए जयंत जिज्ञासु। मैं दो सेंटेंस कहूंगा और इनको जवाब मिल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के समय में तेजस्वी जी ने जब कहा कि हम 1,00,000 नौकरियां पहले सिग्नेचर से देंगे तो मजाक उड़ाया गया था। अलायंस में चुनाव लड़ रहे थे ये दोनों, कहा गया पैसवा कहां से लाओगे, तो अगर पाइपलाइन में थी तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। दूसरा, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अरे 2014 के पहले कुछ हुआ था 70 साल में, और यहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2005 के पहले कुछ था जी, तो कहीं ना कहीं कुछ साम्य तो है इस धरती पर। देखिए सिंगल पीस है ये लोग। आखिरी बात, 1978 में कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया था, अब मैंने 8% पिछड़ा, 12% अति पिछड़ा, 12 साल बाद वो आरक्षण को बढ़ाया गया, लालू जी जब आए
तो 14% किया था, और राबड़ी जी जब आई 10 साल बाद 18% किया। राबड़ी जी कब मुख्यमंत्री पद से हटी थी? 2005 में। ठीक है, 18 साल तक आरक्षण नहीं बढ़ाएगा थी, पिछड़ों के हिमायती लोग बैठे हुए। अरे पिछड़ों के हिमायती मुख्यमंत्री बने तब हमने आरक्षण बढ़ा के 25, अरे तो 2005 में नीतीश कुमार कह रहे हैं उन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया था, 10 साल आपकी यूपीए की सरकार गई, आपने भी तो नहीं दिया कर्पूरी ठाकुर जी को कोई भारत रत्न दिया आपने? भाई भारत रत्न की बात, हमने तो बाबा साहब को दिया, नेल्सन मंडेला को दिया, कर्पूरी ठाकुर को दिया आपने, नारायण दलित को राष्ट्रपति, कर्पूरी ठाकुर को दिया आपने, कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं दिया आपने? आपको मालूम नहीं हमने देवेगौड़ा को, कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं दिया? 10 साल आपकी सरकार थी जिसके नाम पे आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये राजनीति की है। लालू जी ने, राबड़ी जी ने, तेजस्वी जी ने जो आरक्षण बढ़ाया है कर्पूरी जी की आकांक्षा। रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी की विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, हम की विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, 4 विधायक उनके पास भी हैं और वो सबसे ज्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट बन चुके हैं इस पॉलिटिकल क्राइसिस में। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जीतन राम मांझी की पार्टी की यहां पर पटना में विधायक दल की एक बैठक शुरू हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में हम विधायकों की बैठक शुरू। अब ये हम विधायक किसकी तरफ जाएंगे, कह तो रहे हैं एनडीए में, लेकिन ये बहुत अहम हो चुका है। जीतन राम मांझी को लेकर खबर है कि राहुल गांधी ने भी उनसे बात की, विनोद सिंह, लालू यादव भी कह रहे हैं कि उनको विधायक, उनको सीएम बना सकते हैं, ये ऑफर दिया गया, ये खबर भी है। जीतन राम मांझी से बात हुई आप लोगों की? तौर पर जो भी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही राजनीति से आज ही जाके वैचारिक रूप से साथ आया था, उन सबके संतोषजनक जवाब, अगर कुछ ये अप्राकृतिक अस्वाभाविक टाइप का गठबंधन और राजनीतिक भूमिका होती है तो नीतीश जी या एनडीए के पास कोई माकूल जवाब नहीं होगा। मैं कह रहा हूं इंडिया से जो लोग घटा करेंगे, जो धोखा देंगे इंडिया को, इंडिया की मूल भावना को, उसकी प्रेरणा को, उसके काम को, क्योंकि वो जनता की मांग है, जनता के भविष्य को आश्वस्त करने के लिए बनाया गया एक मोर्चा। विनोद सिंह मुझे एक जवाब दीजिए, विनोद सिंह मुझे एक जवाब दीजिए, आपने इंडिया का जिक्र किया, देखिए मेरा एक सवाल सुन लीजिए विनोद सिंह, मेरा सवाल सुन लीजिए, ममता दीदी गई, अरविंद केजरीवाल पंजाब से गए, नीतीश कुमार बिहार से गए, और अखिलेश यादव के साथ भी जो आज एपिसोड हुआ है यूपी में, आपकी पार्टी कह रही है, आप तो यूपी से ही है ना, आपकी पार्टी कह रही है कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ, और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि 11 सीटें कांग्रेस के हमने दे दी, सहमति हो गई, तो विवाद वहां भी है, कहां है इंडिया? चार चार जो बड़े राज्य हैं वहां पर यह हालत है, इंडिया है कहां? देखिए गौरव जी, सीट के लिए विवाद होना, अपनी बात रखना, ज्यादा हिस्सेदारी की मांग करना, ये एक बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन इस प्रकार का यू टर्न लेना, नीतीश कुमार जी भविष्य में राजनीति में एक रिकॉर्ड बनाएंगे राजनीतिक अविश्वास का, राजनीतिक विचारधारा से समझौता करने का, व्यक्तिगत हित मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए कुछ सारी चीजों की तिलांजलि देने का, ऐसा भारतीय राजनीति में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, अगर ये ऐसा कर देते हैं तो। जवाब दीजिए सुनील कुमार पिंटू, सुनील कुमार पिंटू जवाब दीजिए, नीतीश कुमार रिकॉर्ड बनाएंगे अगर ऐसा कर देते हैं तो, के साथ जवाब दीजिए सुनील कुमार पिंटू, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता। ओके ओके, सुनील कुमार पिंटू जवाब दे रहे हैं। क्षमा करेंगे, मैं उनकी बात को पूरा सुन नहीं पाया, क्या वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रिकॉर्ड बनाएंगे अगर ऐसा करते हैं, छलावा करने का, अपने मूल्यों के साथ समझौता करने का, भारतीय राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो नीतीश कुमार कर रहे हैं ऐसा। नीतीश कुमार जी ने कभी समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों से, अपने आदर्शों से। नीतीश कुमार जब भी जहां रहे हैं अपने सिद्धांतों पर, अपने आदर्श पर ही, कि इस बात के लिए वो बिहार के नहीं देश के राजनीति में जाने जाते हैं कि नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया। अरे यही सिद्धांत है उनका, कोई भी ईमानदार राजनीतिक कार्यकर्ता कभी भी ऐसे नेता के संरक्षण में नहीं अच्छे से रह सकता है, स्वस्थ महसूस कर सकता है, ये सोचना पड़ेगा उनके सहयोगियों को, उनके कार्यकर्ताओं को। ऐसा नेता जिसका कोई विचार है ही नहीं, जिसकी कोई वैचारिक विरासत है ही नहीं, जो सिर्फ कुर्सी के लिए समझौता करना चाहता है, नीतीश कुमार पर आज तक कोई एक दाग नहीं लगा, न कभी किसी कोर्ट का संबंध, न कभी ईडी की नोटिस आई,
ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग बतलावे कि उन्हें बार बार इतने नोटिस क्यों आते हैं। आज तक नीतीश कुमार के आदर्श और सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष नमूना है कि किसी ने उनके ऊपर नोटिस तो बहुत दूर उंगली नहीं उठाई। भैया जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। भाटी जी जवाब दीजिए, आप लोगों को इतना नोटिस क्यों आता है भाई? इन लोगों को तो एक भी नोटिस नहीं आया। नहीं, हमारे पार्टी को तो कोई नोटिस नहीं आया, ना हमारे ऊपर कोई मुकदमा है, ना कोई भ्रष्टाचार। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया क्या, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चला जाता है उसके नोटिस फाइल में चले जाते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जाके राज्यों में जाके खुद जिन्हें भ्रष्ट घोषित करते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं, जिनके कहते हैं जेल जाना है, चक्की पी सिंह, वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं उनके नोटिस फाइलों में दब जाते हैं। ये क्या देश देख नहीं रहा? लेकिन आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जो सीटों के बंटवारे का, ये जो 11 सीटों के हमारी पार्टी की ओर से कहा गया है, अभी ये अंतिम सूची नहीं है, इसमें कुछ सीटें बढ़ भी सकती हैं। अभी कांग्रेस से लगातार बात चल रही है, हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मजबूत है और गठबंधन में हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस को और सीटें भी दी जा सकती। अच्छा, अंतिम सूची नहीं तैयार होती है और आपके नेता ट्वीट कर देते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि 11 सीटों पर समझौता हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा 11 सीटें दे दी हैं। अखिलेश जी ने भी ये कहा है कि अभी और विचार किया जा रहा है, जो जरूरत महसूस होगी, जो कांग्रेस अपनी मजबूत सीटें बताएगी तो हम और भी सीट दे सकते हैं, अखिलेश जी ने भी कहा। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है, इसका क्या मतलब है? शुरुआत हुई है, आगे भी बढ़ सकता है। तो हमें ब्रेकिंग चला दें कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस को और सीटें दी जा सकती हैं। पार्टी का अधिकृत बयान है, अभी कांग्रेस को और भी कुछ सीटें एडजस्ट की जा सकती हैं, 11 अंतिम नहीं है। मैं अधिकृत बयान है समाजवादी पार्टी का कि अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को और सीटें दी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। चलिए, ये बड़ी खबर आई है और ये खबर यहाँ पर अभी अभी अड़ी में, यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, ये कह रहे हैं। लेकिन फिर से वही बात आते हैं, खेला बाकी है। संजीव कौशिक, कौन सा खेला अभी बाकी रह जाता है? नंबर तो है नहीं आरजेडी के पास। देखिए, अवसरवादिता की मिसाल कायम करने वाले नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि अगले आने वाले दिनों में यदि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो उनके लिए भी ये आसान काम नहीं रहेगा। अरे, पहले से सारे बिहार की जनता उनसे ये जानना चाहती है कि पहले से वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री तो थे ही, वहाँ चले जाएंगे तो ऐसा क्या बन जाएगा, क्या बन जाने, बहुत बड़ा पोस्ट मिल जाने वाला है वहाँ पे। वहाँ भी क्या भारतीय जनता पार्टी उनके जनाधार को बढ़ाएगी? जो जनाधार बढ़ाने का लोग तो कह रहे हैं कि कहीं शिवसेना वाला हाल ना हो जाए, स्पेस मिलता हुआ दिखाई देगा। सारी कवायद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। संजीव कौशिक, कुछ लोग तो कह रहे हैं कहीं शिवसेना वाला हाल ना हो जाए जेडीयू का। इस बार गौरव, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ट्रैप में फंस गए हैं। वो सारी कवायद तब से शुरू हो गई है जब वो कर्पूरी ठाकुर को वो सम्मान मिला। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से रणनीति रही है। असम के चुनाव के समय आप देखेंगे, असम को साधना हो तो फिर वहां पे भूपेन हजारिका को दे देते हैं, वो अवार्ड देते हैं। बंगाल को साधना। लेकिन आप जिस देते हैं अगर किसी को, तो आप ये क्यों बोलते हैं कि भाई आपने अभी क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया? आपकी भी सरकार थी, आपने भी तो नहीं दिया ना। लेकिन मुद्दा आज ये नहीं है, मुद्दा है बिहार का खेला, और बिहार में जो खेला हो रहा है वो अभी बाकी है नहीं बाकी है ये आने वाला वक्त बताएगा। समय खत्म हो चुका है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन TV9 भारत वर्ष पर ये जो है ना खेला बिहार का, इसको लेकर लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप बने रहिए TV9 भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।